हे गाइस, वेलकम बैक। और आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं रंच सिमुलेटर। एंड फाइनली गाइस, जैसे कि आप सभी ने हमारे पिछले एपिसोड में देखा होगा कि हम लोग अपने के लिए ग्रीन हाउस बना रहे थे, वो ऑलरेडी यार हम लोगों ने बनाकर लगभग रेडी कर लिया है। बट यहाँ पे हम लोगों ने काफी ज्यादा प्रिजर्विंग बिन बनाकर रखे हुए थे, तो यार यहाँ पे मैंने काफी ज्यादा मीट बॉल्स बनाकर रखे हुए हैं। जब अपने को जरूरत होगा तो हम लोग ये सारी की सारी मीट बॉल्स जो है यहाँ पे सेल आउट करके आ जाएंगे। बट आज जो है ना गाइस, अपने को सबसे पहले देख के आना है कि चीज अपन को किस तरीके से बनानी है। एंड ये जितने भी चीज प्रिजर्विंग बिन है इनको भी अभी हम लोग बनाएंगे। और हाँ, मुझे अपना ग्रीन हाउस का काम पूरा करना है। ऑलरेडी मैं लगभग सारे का सारा काम पूरा कर चुका हूँ, बट कुछ प्लांटिंग प्लॉट्स बचे हुए हैं, वो हम लोग कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे जनरल स्टोर में सीड्स वगैरह बाय करके फिर यहाँ पे सीड्स वगैरह प्लांट करेंगे। तो देखो गाइस, नीचे वाला एरिया लगभग मैंने 2-3 घंटे मेहनत करने के बाद बना दिया था, बट थोड़ा सा बचा हुआ था तो मैंने डिसाइड करा चलो थोड़ा सा जो है ना हम लोग आप लोगों के साथ बनाएंगे। वैसे यार अपना वीट भी लगभग ब्राउन हो गए होंगे, तो अभी अपने को सबसे पहले तो वीट भी कट करने जाना है, तो अभी चलते हैं। तो फटाफट से मैं जो है ना ये बनाता हूँ। तो ठीक है गाइज, यहाँ पे अपना लगभग ग्रीन हाउस बन चुका है। बट यार अभी मैं कलर वगैरह नहीं करूँगा, कलर वगैरह आप लोग सजेस्ट करना कि कौन सा कलर यहाँ पे करना बेटर रहेगा। बट अभी जो है ना हम लोग चलते हैं। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे देखना है अपनी काउस जितनी भी है वो सही है। वैसे मेरे को चीज़ वगैरह बनाना है तो अपने को मिल्क वगैरह काफ़ी ज़्यादा चाहिए। एंड जितने भी यहाँ पे मिल्क कैन है सारी की सारी खाली हैं, तो अभी गाइज अपने को चाहिए काउ। एंड जो अपने को मिल्क वगैरह दे सके, तो मैं ऐसे करता हूँ ना, इसको करता हूँ क्लोज। एंड ये दोनों काउ को हम लोग यहाँ पे से बाहर निकाल देंगे, बट मुझे ये वाला डोर भी क्लोज करना होगा, कहीं ये भाग ना जाए यहाँ पे से। वैसे अगर यार मैं इसको इधर वाले बार हाउस में डाल दूं तो सही काम बन जाएगा। चलो ठीक है, अरे ये तो बाहर निकल गया। चलो कोई नहीं गाइज, अभी हम लोग इनको बाहर निकलने देते हैं। एंड जब हमें इनका बेबीज वगैरह मिलेगा फिर हम लोग इनको अंदर डाल देंगे। ठीक है, चलो ये यहाँ पे खेल लेंगे, कूद लेंगे। ठीक है, तो ये अपना मीटिंग वगैरह करके बेबीज वगैरह मिल जाएगा अपने को। बट अभी हम लोग चलते हैं सबसे पहले। अरे यार यहाँ पे मेरे को काफ़ी ज़्यादा कचरा है, ये भी क्लियर करना है, क्योंकि यहाँ पे गाइज मुझे एक भी ट्रीज वगैरह नहीं चाहिए। तो मैं जितने भी ट्रीज यहाँ पे हैं सारे के सारे कट कर दूंगा। एंड उसके बाद जितने भी अपने पास वुडन के ब्लॉक्स होंगे ना, उनको हम लोग मशीन में डाल के इनका सारा का सारा वुडन के प्लैंक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। बट अभी अपने पास वुडन के ब्लॉक्स काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। लेट्स गो, इससे तो नहीं मिलेगा, मतलब रैंच जितना क्लियर हो यार उतना ज्यादा मजा आएगा देखने में। तो फाइनली गाइस यहाँ पे हम लोगों ने सारे के सारे ट्रीज वगैरह कट कर लिए। यहाँ पे देखो ये क्या गजब का सीन है। अबे नीचे ड्रॉप हो, अबे ये ड्रॉप क्यों नहीं होता। बट कोई नहीं गाइस, अभी हम लोग चलते हैं। एंड ये सारे का सारा मैं ऑफलाइन हटा दूंगा। एंड इस वाले मैंने छोटा सा गाड़ी में जो है ना काफी ज्यादा वुडन के प्लैंक्स रखे हुए थे, तो इनको अभी हम लोग लेके चलते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो है ना मैं यहाँ पे टेबल 100 लगाकर सारी के सारी वुडन के जो ब्लॉक्स है ना उनका हम लोग कन्वर्ट कर देंगे वुडन के प्लैंक्स में। आप लोग सोचोगे कि भाई किस तरीके से कन्वर्ट करेगा, तो ये देख रहे हो गाइस अब आप लोग, तो इसको हमें कुछ इस तरीके से लगाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम लोग प्लेस करेंगे। ठीक है, अब मेरे को ये कहाँ पे, ओके, तो यार मैंने गलत डायरेक्शन में प्लेस कर दिया। मेरे को इसको रोटेट करके कुछ इस तरीके से प्लेस करना होगा, तो कुछ इस तरीके से। एंड अभी मेरे को इसके लिए फ्यूल चाहिए, फ्यूल मेरे को लेना पड़ेगा इस जेरिकेन में। एंड अभी अपने पास फ्यूल वगैरह तो है नहीं, तो मैं ऐसे करता हूँ फटाफट से यहाँ पे जाता हूँ टैंक से और फ्यूल वगैरह इस जेरिकेन में भरते हैं। तो यार यहाँ पे ये जेरिकेन लगभग भरने लगा है और रात भी हो चुका है, अरे भाई। बट कोई नहीं, अभी हम लोग इस इलेक्ट्रिक शॉक को चलाकर आप लोगों को दिखाते हैं, बाकी इसका काम तो मैं बाद में करूंगा। तो ठीक है यार, अपना जेरिकेन भर चुका है, इसको यहाँ पे डालो, लेके चलो जेरिकेन को अपने टेबल शॉ में। भाई तेल किधर से भरना है, मतलब यार इसको चलाना किस तरीके से मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 100 ml फ्यूल टैंक इज एम्प्टी, भाई ये तेल किस तरीके से भरेगा इसमें, तो यार ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी मेरे को इसमें तेल वगैरह भरना नहीं आ रहा है, तो अभी हम लोग सोते हैं, बाकी बाद में इसको देखेंगे। तो यार यहाँ पे मॉर्निंग हो चुका है, तो चलो अभी हम लोग सबसे पहले ले चलते हैं सीधा अपने फार्म पे, वहाँ पे हम लोग चेकआउट करेंगे अपना सारा का सारा सामान, क्रॉप्स वगैरह रेडी हैं तो क्रॉप्स वगैरह कट करेंगे। फिर उसके बाद हमें जाना है जनरल स्टोर थोड़े से सीड्स वगैरह बाय करने के लिए। तो ओके गाइज, यहाँ पे मैं पहुँचा। एंड यहाँ पे देखो अपनी सारी की सारी क्रॉप्स जो है ना वो ब्राउन हो चुकी है, एंड अभी इनको कट करने का टाइम भी आ गया है। तो चलो मेरे को कट करने के लिए हार्वेस्टर लेके आना पड़ेगा, अपना हार्वेस्टर जो है ना उधर है, तो चलते हैं फटाफट से सारी की सारी क्रॉप्स कट करेंगे। एंड इसका कंटेनर किधर है जिसमें हम लोग क्रॉप्स को स्टोर करेंगे, ये नहीं पता, अभी देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मैंने फेंका होगा उसको। तो ठीक है गाइज, अभी चलो
मैंने अपना ट्रैक्टर स्टार्ट किया एंड सारी की सारी क्रॉप्स मैं कट करता हूँ। तो फाइनली गाइज यहाँ पे ये कलेक्ट हो चुका है एंड इसको जो है ना अभी हम लोग करेंगे एक्टिवेट। ओके अभी एक्टिवेट तो नहीं करना है मेरे को, बट मुझे ये जो देख रहे हो आप लोग उसे क्लोज करना है। ठीक है ये क्लोज हुआ, अब चलो लेट्स गो गाइस। फाइनली हम लोग यहाँ पे इस क्रॉप्स को फटाफट से कट करते हैं एंड मिलते हैं सीधा आपसे बाद में जब हम लोग पूरी की पूरी क्रॉप्स जो है ना कट कर लेंगे। गाइस फाइनली ये वाले प्लॉट का हमारा पूरे का पूरा क्रॉप्स जो है कट के रेडी हो चुका है इसके अंदर स्टोर एंड अभी जो है ना अपने को दूसरा वाले खेत का भी लगभग हम लोग 80% को कट कर सकते हैं। तो चलो ये लगभग क्लियर एंड अभी जो है ना हम लोग चलते हैं इस वाले खेत का भी जितना हम लोग क्रॉप्स को कट कर पाएंगे करेंगे एंड उसके बाद जो है ना जितना भी वीट हमारे पास है वो हम लोग हार्वेस्टर ट्रेलर के अंदर पैक कर देंगे। जो आपको देखा होगा आप लोगों ने पिछले एपिसोड में हम लोग बाइक करके आए थे उसके अंदर। तो चलो यार यहाँ पे भी चलो यार फटाफट से करता हूँ इसको। तो फाइनली गाइज इसका यहाँ पे कैपेसिटी लगभग फुल हो चुका है एंड अभी हम लोग और भी क्रॉप्स ज़्यादा हार्वेस्ट नहीं कर पाएंगे तो मुझे जो है ना सबसे पहले तो इसको ड्रॉप करना होगा। ठीक है एंड अभी हम लोग जाते हैं फटाफट से उस ट्रेलर को ढूंढेंगे जिसमें हम लोग क्रॉप वगैरह स्टोर करेंगे। तो चलो चलते हैं फटाफट से ट्रैक्टर में बैठते हैं ढूंढते हैं किधर है वो। ओके गाइज वहाँ पे तो था नहीं एंड लगता है मैं अपने रेंच में लेके आ गया था इसको। फटाफट से इसको यहाँ पे हुक करेंगे और चलते हैं जितना भी क्रॉप्स अपने पास है वो हम लोग इसमें डालकर अपने रेंच में लेके आते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ अगर एक स्टोर करने का कुछ ना कुछ सिस्टम होता तो डेफिनेटली यार हम लोग स्टोर करते हैं अपनी क्रॉप्स को, बट कोई नहीं। चलो यार ये इसमें करेक्ट हो चुका है तो फटाफट से चलते हैं जितना भी क्रॉप्स अपना हार्वेस्टर के अंदर है वो हम लोग इसमें डालेंगे। आई थिंक ज़्यादा नहीं यहाँ पे, अरे नहीं 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 थोड़ा सा गलत हो गया, उल्टा नहीं चलेगा ये, रोटेट करके आना पड़ेगा। आई थिंक इतने में काम चलेगा नहीं, थिंक अब काम बन जाएगा। तो चलो यार फटाफट से अपने हार्वेस्टर के अंदर बैठते हैं एंड ट्राई करते हैं आई थिंक। ओके सो हाँ गाइज ये अब काम करने लगा है। तो जितना भी अपने पास क्रॉप्स वगैरह है सारे का सारा वो क्रॉप्स जो है ना अपने ट्रैक्टर के ट्रेलर के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा, आई मीन चले जाएगा भर जाएगा। अरे भरने लगा है, इसकी कैपेसिटी लगभग 250 केजी है। अबे मैं तो फंस ही गया। ठीक है एंड इसकी कैपेसिटी कितना है, इसका भी लगभग 250 केजी। तो ठीक है गाइस अभी हम लोग वेट करना है एंड जैसे फिलअप हो गया इसको लेके चलेंगे हम लोग अपने घर में, वहाँ पे रखेंगे। उसके बाद हमें जाना है जनरल स्टोर में, वहाँ से हम लोग अपने के लिए कुछ सीड्स वगैरह बाई करके आएंगे जिससे हम लोग अभी अपने ग्रीन हाउस के अंदर प्लांट करेंगे। बट यार ग्रीन हाउस का कलर तो यार आप लोग जरूर सजेस्ट करना। तो गाइस यहाँ पे सारा का सारा वीट इसके अंदर आ चुका है, आई मीन ट्रेलर के अंदर एंड अभी मेरे को लेके चलना है सीधा। बट यार यहाँ पे बारिश काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है तो अपने को जो है ना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है एंड जितना भी हम लोग फटाफट से यहाँ पे टाइम देंगे अपने ग्रीन हाउस को देंगे। सो चलो फटाफट से मैं चलता हूँ अपने घर में एंड इसको रखूँगा मैं सीधा अपने गैराज के अंदर। मैं चाहता नहीं हूँ अपना वीट वगैरह बिककर ख़राब हो। अरे अरे पलट गया भाई, पलट गया था, आराम से लेके जाना पड़ेगा। तो लेट्स गो गाइस अभी हम लोग ऐसे करते हैं इसको बाहर ही में रखते हैं। कोई नहीं अभी अपने को जाना है सीधा जनरल स्टोर में क्योंकि अपने को सीट्स वगैरह बाय करके आना है एंड ऑलरेडी यार रात भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। मैं ऐसे करता हूँ इसको लेके चलता हूँ पिकअप को क्योंकि जो थोड़ा बहुत सामान होगा वो मैं अपने पिकअप के अंदर रख के आ जाऊँगा। पिकअप के अंदर यार कूलर्स वगैरह पड़े हुए हैं तो कूलर्स मैं यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ एंड बाद में जो है ना इनको हम लोग अपने मीट प्रोसेसिंग प्लांट के अंदर रख लेंगे। लेट्स गो। वैसे मुझे अभी बर्गर शॉप में भी जाना है एंड देख के आना है बर्गर शॉप में किस चीज़ की डिमांड है एंड अगले बार से जो है ना हम लोग डिमांड के हिसाब से सप्लाई करेंगे। तो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पे बर्गर शॉप में पहुँच चुके हैं एंड अभी हम लोग सामान वगैरह सेल नहीं कर रहे हैं तो हम लोग आगे वाले गेट से चलते हैं। तो भाई अभी डिमांड है किस चीज़ की देखते हैं गाइस यहाँ पे। ओके चिकन पॉर्क मीट बॉल एंड बीफ सॉसेस। तो अभी अपने पास बिल्कुल भी चिकन्स वगैरह तो है नहीं बट मेरे पास पड़े हुए हैं। अगर हम लोग ये तीन चीज़ अभी बर्गर शॉप को सप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली गाइज अपने को 2x प्राइस मिलेगा। भाई अगर पैसा कमाना है तो इसके हिसाब से काम करना पड़ेगा, अपने हिसाब से नहीं। बट यार चलो फटाफट से हम लोग चलते हैं, बारिश इतना तेज़ हो रहा है क्या ही बताऊँ। बट अभी मेरे को जाना है जनरल स्टोर में, सबसे पहले हम लोग सीट्स वगैरह बाय करके लेके आएंगे। ओके गाइज फाइनली हम लोग जनरल स्टोर में पहुँच चुके हैं एंड चलो अंदर प्राइस देखना पड़ेगा पहले प्राइस क्या क्या है। ओके ये तो खुलने का टाइम है रात सुबह के 8 से रात के 9 बजे तक।
तो चलो यार, अभी मेरे को सबसे पहले तो सीड्स वगैरह बाय करना है फार्मिंग। यहाँ पे गाइस देखो, अपने को ग्रैप्स है, ये ले वाटरमेलन, कैबेज, स्ट्रॉबेरी। फर्स्ट टाइम हम लोग कैबेज ऑन एंड स्ट्रॉबेरीज करेंगे। ज़्यादा नहीं गाइस, 10-10 स्टैक लेंगे बस इसका, ठीक है। परचेस कर लिया है, फिर से लेते हैं 10-10। तो गाइस लगभग हमने 20 कैबेज के सीड्स ले हैं एंड 20 जो है ना स्ट्रॉबेरीज के सीड। एंड फटाफट से जो है ना, मैं यार अगर कूलर बाय करता तो डेफिनेटली सबको मैं कूलर के अंदर डाल देता। तो देखते हैं यार, यहाँ पे अपने को कूलर मिलेगा, एक कूलर यार मेरे को लेके आना चाहिए था अपने साथ, मतलब कूलर्स वगैरह। देखो सब इसके अंदर आ जाएगा, बट कोई नहीं गाइस, अपने पास पैसा बहुत है तो हम लोग यहीं से बाय कर लेंगे। ओके, एक कूलर और बाय करना पड़ेगा, मैं करता हूँ। चलो, काली कूलर किधर है? ये रहा। लगभग मेरे को 2-3 और बाइक करने पड़ेंगे, 12 आएगा। एंड मैंने लगभग काफ़ी ज़्यादा सामान वगैरह लिया है। हाँ गाइस, और करना पड़ेगा, 2 और करना पड़ेगा। आई थिंक मेरे को 2 और हम लोग बाय जो कर लेते हैं इसको ना। एक और डब्बा किधर है? ये रहा। एंड मेरे को कुछ फर्टिलाइज़र भी बाय करना है, तो मैं फर्टिलाइज़र भी बाय करता हूँ यहाँ पे फार्मिंग के लिए। फर्टिलाइज़र, एग्रीकल्चर फर्टिलाइज़र, ये इसका फर्टिलाइज़र, आई मीन जो हम लोग क्रॉप्स वगैरह बाय करेंगे ना उसका फर्टिलाइज़र है। ज़्यादा नहीं, अभी मैं 5 ही बाय करूँगा क्योंकि मुझे इसका यूज़ नहीं पता, ये यूज़ किस तरीके से करना है, तो ज़्यादा बाय करके कोई फ़ायदा है नहीं। ओके यार, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, बट कोई नहीं, फटाफट से गाइस जितना भी अपने पास सामान है वो हम लोग डालते हैं अपने पिकअप के अंदर। मैंने रास्ता ही ब्लॉक कर दिया, आई थिंक अब यहाँ पे से ट्रैफिक थोड़ा सा हट जाएगा। ठीक है, ट्रैफिक तो हट चुका है। एंड कुछ सीड्स हैं, वो भी डालता हूँ मैं इसके अंदर। इनको यूज़ किस तरीके से करना है फर्टिलाइज़र का, लिटरली गाइस मेरे को अभी बिल्कुल भी नहीं आता, तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्या पता अपने को मशीन वगैरह बाई करनी पड़ेगी फर्टिलाइज़र के लिए, बट लेट्स सी, लेके चलते हैं, काम तो आएगा ही अपना। तो चलो गाइज, मैंने सारे के सारे कूलर्स तो यहाँ पे प्लेस कर दिया, बट एक कूलर बचा हुआ है उसको भी हम लोग लगाते हैं यहाँ पे। एंड अब मेरे को फर्टिलाइज़र डालना है इसके अंदर, तो लेट्स गो गाइज, फाइनली आई एम रेडी। एंड हम लोगों ने अभी सीड्स वगैरह बाय किए हैं, फर्टिलाइज़र भी बाय कर लिया, तो फटाफट से हम लोग चलते हैं सीधा अपने घर में। यहाँ पे कुछ ब्लैक पैंट्स वगैरह पड़ा है, अभी मेरे कुछ काम का नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग ले लेंगे। बट यार, आप लोग ग्रीन हाउस का कलर का नाम जरूर सजेस्ट करना कि हम उसको किस कलर का करें। चलो यार, आज जो है ना हम लोग घोड़ा भी देखने जाएंगे, क्योंकि मेरा प्लान है घोड़ा वगैरह बाय करने का, तो उसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा घोड़ा किस किस रेंज का अपने को मिल रहा है। अपने पास उतना पैसा है कि हम लोग घोड़ा वगैरह बाय कर सकें तो ट्राई करेंगे। तो यार, हम लोग यहाँ पे घर में तो पहुँच गए। गाड़ी को हम लोग लेके चलते हैं सीधा अपने ग्रीन हाउस के पास। तो मुझे यार यहाँ पे सबसे पहले तो कूलर लेके जाना है, सीट्स वगैरह प्लेस करेंगे, इसमें कम है जो फुल है ना वो लेके जाऊंगा, 6-6 के करीब है, तो ठीक है। तो कैबेज जो है ना गाइस हम लोग ऊपर लगाएंगे, इधर नीचे से लगाना स्टार्ट करते हैं ना। ओके हाँ, नीचे से लगाया, ठीक है। तो लगभग गाइस हम लोगों ने काफी ज्यादा तो प्लेस कर लिया, बट अभी यार पानी भी चाहिए इनको। पानी किस तरीके से देंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट लेट्स सी, अभी देखते हैं भाई इसमें अपने को क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो अपने को वाटर चाहिए, वाटर तो नहीं है। अभी मैं हार्डवेयर स्टोर चलता हूँ गाइस, अभी देख के आना है मेरे को
पानी देने के लिए क्या मशीन वगैरह चाहिए होगा अपने को। चलो सबसे पहले हम लोग हार्डवेयर स्टोर चलते हैं, सामान देख के आते हैं। यहाँ पे हम लोग हार्डवेयर स्टोर में पहुंच चुके हैं। सबसे पहले मेरे को अंदर जाके देखना है हम लोग पानी उसको किससे देंगे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है अपने को जो प्लांटिंग प्लॉट्स है ना उनको पानी कहाँ से देना है, तो इसीलिए आया हूँ मैं यहाँ पे। देखते हैं क्या क्या मशीन होगी कोई पानी वगैरह देने की, तो उसको देखेंगे। या फार्मिंग का सामान देखना अपने को। फर्टिलाइजर ट्रेलर तो ये रहा, ठीक है, और तो कुछ है नहीं। पानी वगैरह देने के तो गाइस कुछ सीन है नहीं दिख रहा इसमें मेरे को। देखो ये तो फ्यूल ट्रेलर है, इसी तरीके से अगर कोई पानी वगैरह ट्रेलर होगा ना तो हम लोग बाय ज़रूर करेंगे। चलो ऐसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग फर्टिलाइजर ट्रेलर ही बाय करते हैं। तो ये हम लोगों ने बाय कर लिया लगभग $600। लेके चलते हैं, देखते हैं यार अपने ये पिकअप के पीछे आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग बाद में जो है ना ट्रैक्टर को लेके आएंगे। Let's go। आई थिंक यार नहीं आएगा। ओके आई थिंक ये जो है ना ट्रैक्टर में आएगा, ट्रैक्टर में मुझे वही लग रहा है ट्रैक्टर के पीछे आएगा ये। तो यार इसके लिए मेरे को ट्रैक्टर लेके आना पड़ेगा। तो चलो यार अभी हम लोग चलते हैं फटाफट से घर, ट्रैक्टर लेके आते हैं एंड उसमें हम लोग इसको लेके चलेंगे। मेरा ट्रैक्टर किधर है? ये रहा। बट ये जो मैं अपना गाड़ी है ना इसको यहीं पे पार्क करता हूँ अंदर। चलो ये सारे का सारे क्रॉप्स यहाँ पे छोड़ते हैं। सबसे पहले मेरे को फर्टिलाइजर ट्रेलर लेके आना है। एक बार मैं हार्डवेयर जनरल स्टोर में भी देख के आता हूँ कोई पानी देने का कुछ ना कुछ मशीन वगैरह या फिर बकेट वगैरह होगा तो वो बाय करके आएंगे। चलो ऐसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग चलते हैं जनरल स्टोर। वैसे भी रात होने वाला है इसीलिए जो है ना गाइस मैं यहाँ पे आया। मैं चाहता नहीं था मैं पहले अगर हार्डवेयर स्टोर जाता सामान लेके आता एंड तब तक मैं यहाँ पे जनरल स्टोर में आता तो मे बी जनरल स्टोर बंद हो सकता था। यही सोच के हम लोग जो है ना सबसे पहले आए हैं जनरल स्टोर में। ओपन है अभी भी? यप ओपन है। देखते हैं गाइस फार्मिंग का सामान। ये क्या चीज है? एक कंपोस्टर। ये मेरे समझ में नहीं आया। स्प्रिंकलर किस काम पे आएगा ये देखता है। ओके गाइस आई थिंक अपने को ना ये बाय करना पड़ेगा जो कि वाटर सप्लाई करेगा। तो बट यार मेरे पास तो ट्रैक्टर है, ये लेके किस तरीके से जाऊंगा मैं? अरे गाइस इसको लेके जाने के लिए मेरे को बाद में आना पड़ेगा। बट अभी मैं जो है ना अपना फर्टिलाइजर ट्रेलर लेके चलता हूँ। समझ गए गाइस मेरे को वही बाय करना पड़ेगा। अपने ग्रीन हाउस के अंदर लगाएंगे, वो जो है ना पानी सारे तरफ फेंकता रहेगा। समझ गए हम लोग। रात होने वाला है लाइट खोल दो। तो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पे अपना हार्डवेयर स्टोर में पहुंच चुके हैं अपना फर्टिलाइजर ट्रेलर लेके ले जाने के लिए। ओके सो फाइनली फर्टिलाइजर ट्रेलर इसमें अटैच हो चुका है। तो फटाफट से जो है ना हम लोग चलते हैं सीधा अपने घर एंड अभी स्प्रिंकलर भी बाय करके आना है। आई मीन बाय तो कर लिया है मेरे को, वो लेके आना है। बट उसके लिए गाइज अपने को चाहिए ट्रेलर। तो वो तो गाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मे बी अपने क्रॉप्स में वाटर वगैरह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे क्योंकि गाइज बहुत ज़्यादा काम कर लिया अपन ने। तो चलो फटाफट से घर चलते हैं। तो गाइज यहाँ पे हम लोग अपने घर वगैरह तो पहुँच चुके हैं बट यार ये काफ़ी ज़्यादा लोडेड है भाई।
ट्रैक्टर मेरा इतना ज़्यादा स्लो चल रहा है ना, तो सबसे पहले मैं सोता हूँ एंड मॉर्निंग में हम लोग जगह देखेंगे इसको, हम लोगों को कहाँ पे प्लेस करना है। सो गुड नाइट गाइज, सी यू इन नेक्स्ट मॉर्निंग। तो भाई यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी है एंड इसको जो है ना हम लोग रखेंगे यहाँ पे। इधर जितना अपने ट्रेलर्स वगैरह है ना वहाँ पे अपन लोग इसको भी रखने वाले हैं। चलो भाई, मतलब पूरे लगने चाहिए अपन लोग किसान। ये क्रॉप्स वगैरह तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेल आउट करके आएंगे, बट यार वो चीज़ तो अपन को लेके आनी चाहिए। इसके अंदर तो नहीं आ पाएगा, आई थिंक अपने को पिकअप लेके जाना पड़ेगा। पिकअप के अंदर रख के लेके आएंगे, फिर लगा के भी देखेंगे उसको अपने को किधर लगाना है, या फिर मेरे को उसके लिए अलग से विंड मिल बनाना पड़ेगा। बट यार जितना भी ये सामान है ना सारा का सारा मैं यहाँ पे रखता हूँ, बाद में अपन लोग रख लेंगे उसको सीधा अपने मीट प्रोसेसिंग प्लांट के अंदर, या फिर मैं एक गैराज बनाऊँ जहाँ पे हम लोग अपना सारा का सारा सामान रखेंगे। तो चलो गाइस अभी हम लोग फटाफट से चलते हैं एंड जल्द से जल्द सामान वगैरह लेके आते हैं। मैं तो निकल गया सीधा जनरल स्टोर के लिए। तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ गए हैं एंड हम लोगों ने स्प्रिंकलर बाय किए थे, लगभग ज़्यादा तो नहीं कम से कम 4 किए थे। मेरा मन कर रहा है मैं थोड़े से और बाय कर लूँ, इन फ्यूचर काम आएगा। ठीक है गाइस, हम लोग 8-10 बाय कर लेते हैं और रखेंगे अपने पास। अभी तो मैंने 4 ही बाय करे हैं, सारे के सारे मैं यहाँ पे रखता हूँ और कम से कम 10 हम लोग लेके चलेंगे अपने साथ। 10 नहीं यार, 6 बाय करेंगे, ज़्यादा हो जाएगा 10 तो। बट यार इसके लिए मेरे को पानी का कनेक्शन भी तो चाहिए, वो देखना पड़ेगा कनेक्शन किस तरीके से करना है। फार्मिंग 1-6, ठीक है गाइस हम लोगों ने यह बाय किया, बट एक बार हम लोग वाटर में भी देखते हैं। ठीक है, आई थिंक हो जाएगा काम, इससे चल जाएगा। तो जितने भी हैं गाइस हम लोग फटाफट से अपने गाड़ी में रखते हैं इसको। तो फाइनली हम लोगों ने सारे के सारे स्प्रिंकलर इसके अंदर रख दिए हैं एंड अब चलते हैं घर और देखते हैं इसको हम लोग कहाँ पे प्लेस करेंगे। लेट्स गो गाइस, फाइनली अब हम जा रहे हैं सीधा अपने रेंच में। मुझे तो लगता है मेरे को डेफिनेटली यहाँ पे विंड मिल बनाना पड़ेगा, क्योंकि तभी इसके अंदर पानी वगैरह जाएगा एंड अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कचरा है, वो भी हम लोग क्लियर करेंगे। बट लेट्स गो, ट्राई करते हैं यार। पहले ना यहाँ पे विंड मिल था, अरे लगेगा किस तरीके से ये गाइस, अभी मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है इसका काम किस तरीके से होगा। अरे भाई ये तो यहां पे लगेगा ना, बट इसको अंदर कैसे लगाएंगे ये मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। ओके अरे गाइस ये पानी के अंदर लगाना है यहाँ पे हर एक इसके अंदर, देखो कुछ इस तरीके से। एंड मेरे को बट यहाँ पे बनाना पड़ेगा विंड मिल, जो कि हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड आज हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाया एंड फाइनली गाइस अभी हमें पता चल चुका है अपन को इसका किस तरीके से काम करना है। तो चलो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर योर लवली सपोर्ट। मिलते हैं एक और नए रेंज सेमुलेटर के गजब से एपिसोड में। सो बाय बाय।